ग्रेविटेशन में सबसे पहले स्टार्ट एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से भी पहले न्यूटन लॉ ऑफ, जो न्यूटन का लॉ है ग्रेविटेशन का, दो मासेज एम वन एम टू इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगी जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, पहला फॉर्मूला। दूसरा, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है? एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए अगर मान लो अर्थ है, अर्थ का रेडियस कैपिटल आर है और मास कैपिटल एम है, तो अगर इसके ऊपर एक पॉइंट मास रखें स्मॉल एम, तो इस पॉइंट मास का वेट क्या है एम जी, तो अर्थ इसे अट्रैक्ट कर रही है बाय अ फोर्स ऑफ एम जी, और ये अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है बाय अ फोर्स ऑफ जी एम एम बाय कैपिटल आर स्क्वायर। दोनों के बीच में सेंटर ऑफ अर्थ और पॉइंट मास में डिस्टेंस कैपिटल आर है, तो इन्हें हमने इक्वेट किया तो स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या आ गया, जी कैपिटल एम बाय कैपिटल आर स्क्वायर। पहला फॉर्मूला, स्मॉल जी का फॉर्मूला जी इंटू प्लैनेट का मास अपॉन प्लैनेट का रेडियस का स्क्वायर, पहला फॉर्मूला। ठीक, नेक्स्ट है अफेक्ट ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू ऑल्टीट्यूड। सपोज करो सरफेस ऑफ अर्थ पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला जी कैपिटल एम बाय कैपिटल आर स्क्वायर, आप अगर एच हाइट ऊपर चले जाती हो तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या चेंज आएगा, जी एम बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहां से इन दोनों को अगर डिवाइड करते हो तो नेक्स्ट फॉर्मूला जी डैश अपॉन जी आर स्क्वायर बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला काम आएगा। तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डैश हाइट पे और जी सरफेस ऑफ अर्थ पे, ये रिलेशन है। अगर आप इसे मॉडिफाई करें, बाइनोमियल लगाएं, ये करना नहीं है आपने, सॉल्व करके नेक्स्ट फॉर्मूला हाइट पे एच हाइट पर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला जी इंटू वन माइनस टू एच बाई आर, ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं। ये फॉर्मूला तब लगाना है जब हाइट बहुत ज्यादा नहीं है, 20-50 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर है, पर ये तब लगता है फॉर्मूला जब हाइट 2000 किलोमीटर है, राइट, 3000 किलोमीटर, 6000 किलोमीटर है, तो जब हाइट्स बहुत बड़ी हैं तो वो फॉर्मूला सही रिजल्ट नहीं देता, छोटी हाइट पे देता है, पर ये हमेशा छोटी बड़ी हाइट सब पे देता है, पर बड़ी हाइट में तो ये लगाना ही पड़ेगा। ठीक, तो दोनों फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट हैं। डेप्थ में अगर आप एक्स डिस्टेंस नीचे जा चुके हैं सरफेस ऑफ अर्थ के, तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला जी डैश इज जी इंटू वन माइनस एक्स बाय आर। ठीक है, तो डेप्थ का ये फॉर्मूला, जब हम डेप्थ की कैलकुलेशन कर रहे थे या करते हैं तो याद रखना कि जैसे अगर मैं x डिस्टेंस नीचे आ गया तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस पे क्या होगी, जी एम बाई आर स्क्वायर, पर जब x डिस्टेंस नीचे आ जाओगे तो डिस्टेंस सेंटर से r माइनस एक्स हो जाएगा, तो आपको यहां एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या लगाना है, जी ये अंदर का मास, याद है वो इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी अगर आप अंदर जा चुके सॉलिड स्फीयर के तो अंदर का ही सिर्फ चार्ज लेना होता है, ऐसे अंदर का मास एम डैश बाय आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अर्थ के अंदर आ चुके हो तो मास वही लेना है जहां पर आप खड़े हुए हैं। अब एक और टेक्निक है, जब आप इलेक्ट्रोस्टैट्स भी करते थे और यहां पर चार्ज स्फीयर होता था तो आप यहां पर चार्ज कैसे निकालते थे, डेंसिटी से, आपको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गिवन होती थी, बिल्कुल वैसे ही आप इसका मास कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी से, मतलब जब आप अर्थ के अंदर काम करेंगे तो मास में काम नहीं करेंगे, मास को पुट करना पड़ेगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, क्योंकि सारा काम फिर डेंसिटी से होता है। ठीक, तो अभी तक तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, नोट करें। नेक्स्ट है लैटिट्यूड। ये लैटिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड होता है कि अगर मान लो ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, इक्वेटर और ये पी पॉइंट है, तो पी पॉइंट ने इक्वेटोरियल प्लेन के साथ जो एंगल बनाया वो कितना है, लैटिट्यूड लैम्डा, तो कितना होगा यहां पर लैम्डा। ठीक है यहां तक, तो लैटिट्यूड में सीधा फॉर्मूला नोट करें, जी डैश इज जी इंटू जी इज इक्वल जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। तो लैटिट्यूड का ये फॉर्मूला नोट करें, इक्वेटर के ऊपर लैटिट्यूड नोट करें जीरो होता है और पोल्स के ऊपर लैटिट्यूड 90 होता है, जीरो और 90 याद रखें, आएगा ये पेपर में। तो इक्वेटर के ऊपर याद रखें लैटिट्यूड लैम्डा क्या होगा, लैटिट्यूड एंगल लैम्डा जीरो, और पोल्स के ऊपर क्या होगा ये 90, तो याद रखें। तो लैटिट्यूड का फॉर्मूला, लैटिट्यूड के फॉर्मूले में इक्वेटर पे लैम्डा जीरो है और पोल्स पे लैम्डा 90 है, तो याद रखें दोनों चीजें। नेक्स्ट, इसके अंदर और कुछ नहीं है। नेक्स्ट, जैसे सपोज करें आप, सपोज हाइट 400 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं सरफेस ऑफ अर्थ से, तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे चेंज होगी, तो हाइट का ये फॉर्मूला हमने किया, आप हाइट का 400 पुट कर दें आपका आंसर आ जाएगा,
रेडियस ऑफ अर्थ बाय डिफॉल्ट क्या होता है 6400 किलोमीटर होता है आंसर। आप अगर ये लंबे वाला फॉर्मूला लगाएं तो भी आपका आंसर अप्रॉक्सीमेटली सेम है, और सेम इसलिए आ रहा है क्योंकि जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, 400 किलोमीटर है। पर अगर मान लो आपको क्वेश्चन में हाइट निकालनी है सच दैट जी डैश की वैल्यू कितनी है 64% ऑफ जी, तो जी डैश 64% ऑफ जी का मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा चेंज है, तो आप शॉर्टकट ना लगाएं, तो आप बड़े वाला फॉर्मूला ही लगाएं और जी डैश को क्या पुट करें 64% ऑफ जी, और इसके कॉरस्पॉन्डिंगली हाइट निकालने आंसर आएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, तो ऐसे केस में इसे यूज ना करें। ठीक, नेक्स्ट देखें। तो अगर मान लो वेट सरफेस के ऊपर 250 न्यूटन है, तो एम जी 250 है, आपको कहाँ निकालना है वेट एट अ डेप्थ ऑफ आर बाई टू, तो आप डेप्थ का फॉर्मूला लगाएं, मास से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करें, एम जी 250 है नया वेट निकालना है, और एक्स की जगह आर बाई टू पुट करें, नया वेट कैन बी कैलकुलेटेड। तो डेप्थ का फॉर्मूला क्लियर है। नेक्स्ट है, जैसे सपोज करो आपके पास एक अर्थ गिवन है, अर्थ का मास गिवन है और मून का मास गिवन है, और ये आर दोनों के बीच में दूरी भी गिवन है। आपको बताना है कि एक पॉइंट बताओ जहां पर नेट फोर्स जीरो हो जाए इस मास पे, अब इलेक्ट्रोस्टैट्स की तरह काम करेगा। तो मान लो एक्स वो दूरी है जहां पर नेट फोर्स जीरो है, तो ये अर्थ इसे अपनी तरफ क्या करेगी अट्रैक्ट, कितनी फोर्स से जी एम वन एम टू बाई एक्स स्क्वायर, और ये मून भी इसे अपनी तरफ क्या करेगा अट्रैक्ट, जी मास इंटू मास अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, नेट फोर्स करने के लिए लेफ्ट और राइट की फोर्स को इक्वेट, एक्स कैन बी कैलकुलेटेड, बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैट्स की कॉपी है। तो ठीक, नेक्स्ट है आपके पास एक मास है कैपिटल एम, इसको मुझे दो टुकड़ों में तोड़ना है ताकि दोनों टुकड़ों में फोर्स मैक्सिमम आए। अब इस क्वेश्चन को करने का एक शॉर्टकट कुछ ऐसे सोचें, आपके पास मास है मान लो 10 kg, आपको इसको ब्रेक करना है ताकि फोर्स मैक्सिमम आए। मान लो आपने इसको ब्रेक किया 1 kg और 9 kg में, किसी ने ब्रेक किया 2 kg और 8 kg में, किसी ने 3 और 7 में, किसी ने 4 kg और 6 kg में, किसी ने 5 kg और 5 kg में, फिर किसी ने 6 और 4 में, वो तो पैटर्न रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जो फोर्स होती है वो एम वन एम टू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सबसे बड़ी फोर्स आएगी जब मास एकदम बराबर है 5 × 5 = 25, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट 9 है, यहाँ पर 16 है, 21 है, 24 है और 25 है। तो इसका मतलब एक शॉर्टकट है, मैं एम मास को कैसे तोड़ूंगा, बराबर बराबर मास में तोड़ूंगा m बाई टू ताकि फोर्स मैक्सिमम आए। तो सीधा ये कैलकुलस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो यही पूछ रहा है कि कैपिटल एम मास है तो मैं तोड़ना चाहता हूँ छोटे एम में, तो छोटे और बड़े एम में रेशियो क्या होगी 1:2, छोटा एम क्या होगा इसमें, छोटा एम एम बाई टू होगा, बड़ा एम बाई टू होगा, तो आधा आधा मास होगा, सिंपल है। ठीक, तो ये इसका क्वेश्चन है। तो सपोज करो दो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे के मतलब इस सेंटर सी के अबाउट घूम रहे हैं सर्कल में, तो सर्कल में घूमने के लिए क्या चाहिए, सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए। तो सेंट्रीपेटल फोर्स इनके बीच में क्या है, जी एम एम बाई टू आर का स्क्वायर, कहाँ एक्ट करेगी टूवर्ड्स, ओ सॉरी, ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड सेंट्रीपेटल फोर्स, इनमें ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, जी एम एम बाई टू आर का स्क्वायर। दोनों एक दूसरे पे इक्वल एंड ऑपोजिट ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हर पार्टिकल को क्या प्रोवाइड करेगी, सेंट्रिपिटल। तो इस पार्टिकल का रेडियस आर है सर्कल का, तो सेंट्रिपिटल क्या है, एम वी स्क्वायर बाय आर, लेकिन कौन प्रोवाइड कर रहा है ये सेंट्रिपिटल, जी एम एम बाय टू आर का स्क्वायर। तो ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ टू आर पुट करना है, कहाँ आर पुट करना है, सेंट्रिपिटल में आर पुट करना है, ग्रेविटेशन में टू आर पुट करना है, तो यहाँ से वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड। अर्थ है, अर्थ के बहुत ऊपर जाके हमने एक बैलेंस बना दिया, दो मासेज हैं एम और एम, तो इनको तोल रहे हैं हम, तो लेकिन वेट में डिफरेंस आ रहा है जबकि मास बराबर है, वेट में डिफरेंस मास की वजह से नहीं आ रहा, वेट में डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि एक की हाइट एच वन है और एक की हाइट एच टू है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एच वन एच टू की वजह से क्या हो जाएगी, चेंज। आपको डिफरेंस ऑफ वेट निकालना है क्या है, तो डिफरेंस ऑफ वेट क्या होगा, एम जी टू माइनस एम जी वन, अब हाइट के साथ जी कैसे चेंज होगा, टू एच टू बाई आर, और यहाँ पर 1 − 2 h1 / r, इन्हें माइनस करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे, तो एच वन माइनस एच टू मान लो क्वेश्चन में एच गिवन है, तो आपके सिंप्लीफाई करके ये आंसर आ जाएगा। स्मॉल जी की जगह पुट कर सकते हैं जी बड़ा एम बाई आर स्क्वायर,
आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डेंसिटी की फॉर्म में गिवन होगा, अर्थ की डेंसिटी। ये मास अर्थ का मास है, तो अर्थ के मास को लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ अर्थ इनटू डेंसिटी ऑफ अर्थ। तो जो भी आंसर आएगा यहाँ से आएगा, लेकिन स्टार्ट कैसे करना समझ में आ रहा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो रही है, जिस वजह से वेट में भी क्या आ रहा है, इसमें चेंज आ रहा है। ये रोटेशनल मोशन में किया था हमने कि अगर कोई भी प्लैनेट सन के आसपास घूमता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट होता है। और कांस्टेंट कैसे लगाना होता है? एम वी आर इज कांस्टेंट। तो जैसे यहाँ पर एम इंटू वी मिनिमम इंटू आर मैक्सिमम इज इक्वल टू एम इंटू वी मैक्सिमम इंटू आर मिनिमम। तो एम वी आर इज कांस्टेंट। तो ये रूल लग सकता है, लेकिन ये भी लग सकता है कभी कभी आई इंटू ओमेगा इज अ कांस्टेंट। क्वेश्चन आएगा तब की तब देखेंगे। ओमेगा निकालो जब इक्वेटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वेटर पे होती क्या है? लैटिट्यूड के फॉर्मूले में लैम्डा को जीरो पुट कर दो, तो ये टर्म आ गई। वो कह रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इक्वेटर के ऊपर जीरो है, तो इसको भी जीरो पुट कर दो। इसको जीरो पुट करोगे ऑटोमेटिकली क्या जाएगा? ओमेगा। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे इक्वेटर पे? क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट है इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या फील्ड अगर की बात करते हैं, तो अभी हमने फोर्स किया, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फील्ड स्ट्रेंथ। जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स में एफ के बाद ई आता है, बिल्कुल ऐसे इसमें भी एफ के बाद ई आता है। ई का मतलब है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, जिसका फॉर्मूला क्या है? फोर्स अपॉन मास, टेस्ट मास एम। उसमें क्या होता था? टेस्ट चार्ज एफ बाई क्यू, इसमें एफ बाई एम। तो जैसे मान लो ये एम है, ये स्मॉल एम है, जहां स्मॉल एम पड़ा हुआ है वहां पर ई निकालो, तो कैपिटल एम की वजह से पहले यहाँ फोर्स निकाल दो, तो इस पॉइंट मास एम से इसे डिवाइड कर दो। तो आंसर क्या आ गया? जी इंटू बड़ा एम बाई आर स्क्वायर। ये भी इलेक्ट्रोस्टैट्स वाला सेम है। तो हम एक रूल बनाते हैं, क्योंकि यहाँ से एम और एम तो कैंसिल ही हो रहा है, तो हम रूल ये बनाते हैं कि अगर ये कैपिटल एम है, जहां पर आपको ई निकालना है वहां पर कितना मास है भूल जाए, यूनिट मास रख दें। तो ये कैपिटल एम इससे कितनी फोर्स से खींचेगा? जी एम बाई आर का स्क्वायर, यही आपकी ई की वैल्यू होगी। तो ई का फॉर्मूला याद करें, ये ई का फॉर्मूला है, और ई के फॉर्मूले में मास ऑफ प्लैनेट आता है कैपिटल एम। ठीक है, आप यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट है, जैसे सपोज करो आपके पास एक एम वन एम टू दो मासेज हैं और इनके बीच में डिस्टेंस आर है। आपको एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां नेट ई जीरो है। अब मान लो एक्स वो दूरी है जहां पर ई जीरो है, तो जहां पर ई निकालना है वहां मास प्लस वन। तो ये एम वन इसे खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा फोर्स, ई निकाल लेना इसकी वजह से, एम टू की वजह से ई निकाल लेना, तो जहां फोर्स है वहीं ई है, डायरेक्शन सेम है। तो नेट ई जीरो करने के लिए लेफ्ट और राइट के ई को क्या कर देना है? इक्वेट सॉल्व करके जो भी है एक्स कैन बी कैलकुलेटेड। बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैट्स की तरह चल रहा है सेम। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में एक फॉर्मूला याद करेंगे कि अगर आपके पास मान लो ये अर्थ है, अर्थ का मास कैपिटल एम है, अर्थ के स्मॉलर डिस्टेंस ऊपर ये स्मॉल एम है, इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? माइनस जी एम एम बाय आर। तो ये फॉर्मूला नोट करें, किसी भी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस जी एम एम बाय स्मॉल आर। ठीक है यहां तक? तो इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा? मान लो अर्थ है, अर्थ की सरफेस से आपने 1000 वेलोसिटी से किसी रॉकेट को फेंक दिया, ऐसे या पत्थर को फेंक दिया, किसी भी चीज को फेंका, तो वो ऊपर जा रहा है, आपको हाइट बतानी है कितनी हाइट अटेन करेगा। तो कई लोग कहेंगे काइनेमेटिक्स लगा लो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू ए एस, ए को माइनस जी पुट कर देना। नहीं कर सकते, क्योंकि अर्थ के ऊपर क्वेश्चन है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाइट के साथ क्या होती है? चेंज। तो ए तो कॉन्स्टेंट है ही नहीं, तो काइनेमेटिक्स तो लग ही नहीं पाएगा। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं, सरफेस के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? माइनस जी एम एम बाई कैपिटल आर, और काइनेटिक कितनी है? हाफ एम वी स्क्वायर। और टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाके माइनस जी एम एम बाई आर प्लस एच पोटेंशियल हो गई, और काइनेटिक क्या हो जाएगी? जीरो। इन्हें इक्वेट कर लें, इक्वेट करते हुए जब कैलकुलेशन करेंगे, तो जहां जहां किसी कैलकुलेशन में कैपिटल जी एम आता है उसकी जगह स्मॉल जी आर स्क्वायर रिप्लेस करते रहें, तो यहां से कैलकुलेशन ईजी होगी और आंसर एच कैन बी कैलकुलेटेड। यानी मैंने टेक्निक बता रहा हूं आपको क्या लगानी है, एनर्जी कंजर्वेशन ना करो, कैपिटल जी और कैपिटल एम पुट कर दो। मास ऑफ अर्थ पता नहीं होता ना, मास ऑफ अर्थ तो पता नहीं, लेकिन स्मॉल जी 9.8 पता है और कैपिटल आर 6400 किलोमीटर पता है, तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी इससे।
जैसे सपोज करो आप एक ऑब्जेक्ट को एच हाइट ऊपर ले गए, और ये हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत छोटी हाइट है, जैसे 10 मीटर सिर्फ ऊपर, तो चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? तो जब ये सरफेस के ऊपर मास है तो पोटेंशियल कितनी है? माइनस जी एम एम बाई कैपिटल आर, और जब ये एच हाइट ऊपर ले गए तो माइनस जी एम एम बाई आर प्लस एच, तो चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? फाइनल माइनस इनिशियल। माइनस किया, सॉल्व किया, बाइनोमियल लगाई, लगानी नहीं है, अप्रोक्सीमेट आंसर आता है MGH। पर ये फॉर्मूला बाइनोमियल और अप्रोक्सीमेशन के साथ आता है, ये अज्यूम करते हुए कि H इज वेरी वेरी स्मॉल। और ये रिजल्ट MGH का हम वर्क पर एनर्जी में लगाते थे, जिसमें हम बोलते थे पोटेंशियल एनर्जी MGH है, नहीं वो पोटेंशियल एनर्जी MGH नहीं होती, वो चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है MGH। तो चेंज ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन MGH आता है। क्लियर है यहाँ तक? सिर्फ चीज क्लियर कर रहा हूँ, अदरवाइज लगाना तो आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ही है। अगला जो टॉपिक है वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जिसको V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी अपॉन पॉइंट मास m। तो जैसे मान लो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है माइनस जी एम एम बाई आर, और मास से डिवाइड कर देंगे तो जो टर्म आएगी वो पोटेंशियल है। तो जैसे मान लो कैपिटल M प्लैनेट है और ये छोटा मास है, तो इनके बीच में ये एनर्जी है, इसको छोटे मास से डिवाइड कर दो तो यहाँ का क्या जाएगा? पोटेंशियल। तो ये पोटेंशियल है, तो रिवाइज करने के लिए जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स में बनाया करता था वैसे इसमें बना रखा है। अब हमने चार टर्म्स कर ली हैं, पहली फोर्स, ई एनर्जी और पोटेंशियल। फोर्स में दोनों मासेस चाहिए जी एम एम बाई आर स्क्वायर, ई में जहाँ ई निकालना है प्लस वन, तो ई का फॉर्मूला जी बड़ा मास एम बाई आर स्क्वायर। एनर्जी में दोनों मास चाहिए माइनस जी एम एम बाई आर, और पोटेंशियल में एक ही मास चाहिए, ये चाहिए नहीं है, तो माइनस जी प्लैनेट का मास बाय स्मॉल आर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि चारों के फॉर्मूलाज क्लियर हैं यहाँ तक? चार फॉर्मूलाज किए हमने इसके। नेक्स्ट जो है ये सिर्फ ये बता रहा है, ये एग्जाम्पल हमें नहीं करने की जरूरत, ये प्लस वन वालों की शीट है, डिटेल में बताना पड़ता है। आपने इलेक्ट्रोस्टैट्स किया हुआ है कि अगर आप ई की डायरेक्शन में आएंगे तो आपका पोटेंशियल कम होता जाएगा। तो एक फॉर्मूला बनता था ई इज माइनस डी वी बाई डी आर, सेम फॉर्मूला सेम रूल इसमें भी एप्लीकेबल है। तो इसमें ई इज माइनस डी वी बाई डी आर एप्लीकेबल है। तो जैसे मान लो क्वेश्चन है इसमें एम वन एम टू एम थ्री तीन मासेज हैं, आपको क्वेश्चन में नेट फोर्स निकालनी है एम टू पे। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स का पहला लेक्चर याद करो, सेम था, जहाँ आपको फोर्स निकालनी है सारे वेक्टर उसी के ऊपर ड्रॉ करेंगे। तो ये M3 इसे अट्रैक्ट करेगा, M1 इसे अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों वेक्टर्स एक तरफ, दोनों को ऐड करेंगे, नेट फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड। अगर मान लो नेट फोर्स किस पे आती निकालने को, M1 पे आती, फाइंड नेट फोर्स ऑन M1, तो सारे वेक्टर किस पे ड्रॉ करते? M1। तो M3 M1 को अट्रैक्ट करेगा, M2 M1 को अट्रैक्ट करेगा, दोनों को ऐड करेंगे, नेट फोर्स कैन बी अगेन कैलकुलेटेड। क्लियर है यहाँ तक? अब जैसे मान लो क्वेश्चन है तीन मासेज हैं, आपको ई निकालना है, आपको ई निकालना है कहाँ पर? M3 पे। तो M3 पे ई निकालना है, तो जहाँ ई निकालना है वहाँ मास M3 भूल जाओ, वहाँ क्या पुट कर दो? प्लस वन। तो ये M1 यहाँ पे ई लगाएगा अट्रैक्टिव, और ये M2 यहाँ पे ई लगाएगा अट्रैक्टिव। दो नेट ई निकालने के लिए बड़े ई में से छोटे ई को क्या कर देना है? माइनस। आपको ऐसा फील नहीं आ रहा इलेक्ट्रोस्टैट्स ही करे जा रहे हैं? वैसे पहला लेक्चर यही तो था, तो सेम ही है ये, तो इसलिए कोई फर्क नहीं है, एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट पे चलता है। अट्रैक्टिव ही होती है ये, अट्रैक्टिव ही होती है, रिपल्सिव होती नहीं इसमें, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने ये किया कि अगर दो मासेज हैं और आर डिस्टेंस अपार्ट है, और हमसे कोई ये पूछ ले कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी है सिस्टम की, तो फॉर्मूला लगाएंगे माइनस जी एम एन जी एम वन एम टू बाई आर, आर एनर्जी में। और अगर तीन पार्टिकल्स हैं तो इलेक्ट्रोस्टैट्स की तरह दो दो करके पार्टिकल लेंगे, पहले एनर्जी M1 M3 की, फिर एनर्जी M3 M2 की, फिर एनर्जी M2 M1 की, तो तीन एनर्जी का सेट आएगा, तीनों को ऐड करेंगे जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स में करते थे। उसी तरीके से अगर इसकी एनर्जी निकालनी है, पहले ये इसकी सेट ऑफ एनर्जी, फिर इन दोनों पार्टिकल्स की, फिर इन दोनों पार्ट, तीन, तीनों को ऐड करेंगे आंसर। फिर अगर मान लो ऐसे पार्टिकल चार हैं, तो एक एनर्जी इनकी, एक इन दोनों की, एक इन दोनों की, एक इन दोनों की, एक इन दोनों की, और एक इन दोनों की, छह सेट ऑफ एनर्जीज आएंगी। सही है यहाँ तक? तो सेम रूल है। अब एक रिजल्ट है, रिजल्ट क्या है इसमें, ये करने की जरूरत नहीं। हाँ, रिजल्ट ये है कि
कि अगर मान लो आपने एम वन और एम टू दो मासेस गिवन है और आपसे ये पूछ रहा हूँ कि एम टू के ऊपर पोटेंशियल निकाल लो, किसने लगाया, एम वन ने लगाया, तो क्या करेंगे, पहले सिस्टम की एनर्जी निकालेंगे और जहाँ पर मुझे पोटेंशियल निकालना है वहाँ जितना भी मास है उससे डिवाइड कर देंगे, तो ऑब्वियसली एम टू क्या हो जाएगा, कैंसल। तो ये स्टेप करने की बजाय एक शॉर्टकट करेंगे, जहाँ पर आपको वी निकालना है वहाँ मास ले ही मत, वहाँ वन ले लें, तो एम वन ने कितना पोटेंशियल लगाया, माइनस जी एम वन बाय आर, बस जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैट्स में करते हैं सेम रूल है इसमें, ठीक। नेक्स्ट है इसमें E is minus dV by dr, सबने फॉर्मूला सुना हुआ है, तो आपने ये सुना होगा कि अगर मान लो V given है और E निकालना है, अब V as a function of x given है, तो आप जब फॉर्मूला लगाएंगे dV by dr नहीं लगाएंगे, dV by dx लगाएंगे, और पीछे क्योंकि x एक्सिस तो पीछे i cap लिखेंगे वेक्टर के लिए, क्योंकि आपको V given है, आप कैलकुलस लगाएं और V का form, V E की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। अगर आपको ये V y की फॉर्म में गिवन होता और E पूछा जाता तो E इज इक्वल टू माइनस dV by dy हो जाता और पीछे j cap, तो V की वैल्यू पुट करके आंसर। लेकिन अगर मान लो V x y z तीनों में होता, फिर हम क्या यूज करते, पार्शियल डेरिवेटिव, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स में किया था, तो V की वैल्यू को तीनों जगह पुट करके पार्शियल डेरिवेटिव लगा के आंसर कैन बी कैलकुलेटेड। अगर मान लो उल्टा गिवन है, V पहले V गिवन था, E निकालना है, अब E गिवन है और V निकालना है, तो E गिवन है x की टर्म में और V निकालना है, तो लिखो फॉर्मूला E इज माइनस dV by dx, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, E की वैल्यू पुट करो, इंटीग्रेट करो, V की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। सही है यहाँ तक, क्लियर है? नेक्स्ट है, जैसे सपोज आपको ये E गिवन है फिर से x एक्सिस में, और आपको ये गिवन है पोटेंशियल जीरो है इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल और एनर्जी जीरो ही होती है, सबको पता है। क्या निकालना है, V निकालना है एट अ डिस्टेंस ऑफ x, तो फिर से एक बार E पता है, E इज माइनस dV by dx, तो यहाँ से क्या आ गया, dV आ गया, E की वैल्यू को पुट करो और लिमिट लगा देना इन्फिनिटी से x, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो है और x पे V है, तो सॉल्व करके V कैन बी कैलकुलेट। तो सही है, बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैट्स की कॉपी सेम है। फिर इलेक्ट्रोस्टैट्स की तरह हमने पहले काफ़ी देर इलेक्ट्रोस्टैट्स किया था पॉइंट चार्जेस के लिए, अभी तक हम जो ग्रेविटेशन कर रहे हैं वो पॉइंट मासेस के लिए। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स में पहली जब पॉइंट मास को हमने छोड़ा था तो रॉड आई थी, चार्ज रॉड की वजह से ई निकाल लो, सेम पैटर्न, सेम तो शीट लिखी हुई है बिल्कुल वैसी। तो अब चार्ज रॉड नहीं है, अब इस रॉड की वजह से ई निकाल लो, तो इसमें ये रॉड है जिसका मास एम है और लेंथ एल है, और डी डिस्टेंस दूर आपको क्या निकालना है, इसकी वजह से ई निकालना है। न्यूटन के जो फॉर्मूलाज, जो हमने जितने भी फॉर्मूलाज किए वो पॉइंट मासेस के लिए वैलिड हैं, बॉडीज के लिए वैलिड नहीं है। तो रॉड के लिए क्या करेंगे, रॉड के लिए आपको स्मॉल एलिमेंट लेना पड़ता है, पहले छोटा सा एलिमेंट डीएम, और ये एलिमेंट यहाँ से कितनी दूरी पे है, एक्स, और जिसकी स्मॉल लेंथ कितनी है, डीएक्स। तो डीएम की वैल्यू निकलेगी कैसे, अगर टोटल लेंथ रॉड की एल है तो मास एम है, वन है तो एम बाय एल है, और अगर डीएक्स लेंथ है तो एम बाय एल इंटू डीएक्स, डीएम आ गया। तो आपको क्या करना है, इस स्मॉल डीएम ने यहाँ पर स्मॉल कितना फील्ड लगाया, डीई g into small mass by कितनी दूरी पे है, x का स्क्वायर। तो dm पूरे का पूरा यहाँ पे पुट कर दिया ये रहा, और फिर लिमिट लगा दी कहाँ से कहाँ तक, पहला एलिमेंट ये है तो d लिमिट है, और आखिरी एलिमेंट ये है तो d plus l लिमिट है, तो कहाँ से कहाँ तक, d से लेके d plus l, इंटीग्रेट करके आंसर आएगा। तो रॉड के केस में क्या करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? अब ये तो बहुत आता है पेपर में, ये तो हर बार आता ही आता है। क्या एक स्फेयर है और एक स्फेयर में से एक छोटा स्फेयर r by 2 का काट दिया और फेंक दिया, और यहाँ पर पॉइंट मास पड़ा हुआ था और इसके सेंटर से ये दूरी d है, तो पॉइंट मास पड़ा हुआ था, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है फाइंड फोर्स बिटवीन रिमेनिंग स्फेयर एंड मास m। तो जब ये पूरा स्फेयर था, काटा नहीं था, तो ये इसे स्फेयर क्या कर रहा था, अट्रैक्ट, आपने इस मास को उठा के फेंक दिया, तो ये बचा हुआ स्फेयर फिर बच गया, तो बचे हुए स्फीयर ने इसके ऊपर कितनी फोर्स लगाई, ये क्वेश्चन है, ठीक। तो आप क्या करेंगे, रूल नंबर वन, आप पहले पूरे स्फीयर की वजह से इसके ऊपर फोर्स निकाल लेंगे जितनी भी है, फिर आप ये कटे हुए पोर्शन की वजह से जो फोर्स लग रही है वो निकाल लेंगे एक, फिर बचे हुए पोर्शन की फोर्स निकालने के लिए टोटल फोर्स में से कटे हुए पोर्शन की फोर्स को माइनस कर देंगे तो बचे हुए पोर्शन की फोर्स आ जाएगी,
जैसे फॉर एग्जाम्पल पूरे स्फेयर ने मान लो यहां पर फोर्स लगाई 10 और ये वाला स्फेयर लगा रहा था अट्रैक्टिव सिर्फ 2, तो इसको उठा के फेंक दो, फेंकेंगे तो 10 में से 2 माइनस करके बचेगा क्या 8, सिंपल। तो वही करेंगे, तो पहले पूरा स्फेयर लेंगे, पूरे स्फेयर, ये पूरा स्फेयर है, डी डिस्टेंस दूर स्मॉल एम है, तो अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगी जी एम एम बाई डी स्क्वायर, डन। तो पूरे स्फेयर की अट्रैक्टिव फोर्स आ गई। अगर इस कटे हुए स्फेयर की अट्रैक्टिव फोर्स निकालनी है, पहले कटे हुए स्फेयर का क्या निकालना पड़ेगा, मास। स्फेयर में मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दी वॉल्यूम। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले पूरा स्फेयर है, अगर पूरे स्फेयर का इतना वॉल्यूम है तो मास एम है, 1 है तो इतना है, और अगर वॉल्यूम 4/3 πr/2 का क्यूब है तो मास m/8 आएगा। तो कटे स्फेयर का पहले मास निकलेगा m/8, तो ये रहा वो कटा हुआ स्फेयर m/8। इस कटे हुए स्फेयर से यहाँ की दूरी कितनी है, ये दूरी यहाँ c से लेके यहाँ तक d है, और ये डिस्टेंस कितने r/2 है, तो ये डिस्टेंस कितने है d − r/2। तो डायग्राम अलग से बना लिया मैंने, ये वो मास है m/8 जिसका रेडियस है r/2, और स्मॉल m से दूरी कितनी है d − r/2। तो कटा हुआ स्फेयर इसको अट्रैक्टिव फोर्स क्या लगाएगा, g, इसका मास m/8 इंटू m बाई d − r/2 का होल स्क्वायर। पर हमें तो इस कटे हुए पोर्शन को फेंकना है, तो टोटल जो फोर्स आपने शुरू में निकाली थी उसमें से इस फोर्स को माइनस करेंगे, जो बचा बस आंसर। ऑप्शन अलग अलग फॉर्म में आएगी, बट कॉन्सेप्ट क्लियर है, करना क्या है, इसको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलते हैं। ठीक, सब सारे डिस्टेंस स्फीयर के सेंटर से होते हैं, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट है शेल थ्योरम्स। देखो ग्रेविटेशन चैप्टर को कैसे करना चाहिए, जब आप इलेक्ट्रोस्टैट्स करो तो साथ में ग्रेविटेशन कर लो, या जब भी ग्रेविटेशन करो साथ में इलेक्ट्रोस्टैट्स करो, दोनों इजी लगेंगे। एक करने के बाद कम से कम दूसरा तो पक्का इजी लगेगा, तो याद करना भी इजी हो जाता है उस टाइम। गैप के साथ करोगे तो फिर आपको नया चैप्टर लगेगा ये, तो इसको करके जाना चाहिए आपको, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैट्स भी करना है और ये भी करना है। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स में से 2 क्वेश्चन, इसमें से 1, 3 तो पक्के ही करो, और नीट में से इलेक्ट्रोस्टैट्स में से कम 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, 4 कभी 5 भी आ जाते हैं, इसमें से 2, 5-6 क्वेश्चन सिर्फ 2 यूनिट ही उड़ा देंगे, ठीक है। तो इसमें शेल थ्योरम, शेल का मतलब एक स्फीयर जो अंदर से खाली है। तो शेल थ्योरम में रूल नंबर 1, अगर आपके पास एक शेल है जो अंदर से खाली है, तो अगर आपको पॉइंट मास गिवन है m, तो ये शेल इस पॉइंट मास पे फोर्स क्या लगा रही है, जी एम एम बाय आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद कर लें। और अगर ये सॉलिड स्फीयर होता तो भी फॉर्मूला रिमेन्स सेम। तो पहला रूल है शेल थ्योरम का कि अगर एक शेल है या सॉलिड स्फीयर है और कोई भी पॉइंट मास शेल या सॉलिड स्फीयर के बाहर है, तो फोर्स का फॉर्मूला न्यूटन का इसमें एज इट इज लगा देना, बात खत्म। लेकिन अगर आपको फोर्स अंदर निकालनी है, पॉइंट मास शेल के अंदर पड़ा हुआ है, किसी भी शेल के अंदर ई जीरो होता है, इसमें भी जीरो है, तो शेल के अंदर ई जीरो है तो फोर्स भी क्या रहेगी, इसमें जीरो रहेगी। और अगर सॉलिड स्फीयर के अंदर है ये पॉइंट मास एम, तो सॉलिड स्फीयर के अंदर आपको यहां पर फोर्स निकालनी है, तो आप मास क्या लेंगे, आप फोर्स क्या निकालेंगे, एफ इज इक्वल टू जी शेडेड पोर्शन का मास एम ऑफ आर इंटू पॉइंट मास डिवाइडेड बाय स्मॉल आर का स्क्वायर। मैंने बोला था अगर आप सॉलिड स्फीयर के अंदर जा चुके हैं तो जो मास लेना होता है वो अंदर का ही लेना होता है। अब ये मास निकलेगा कैसे, आप ये बताएं कि जो टोटल मास है एम वो टोटल वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और अंदर का मास है एम ऑफ आर इसका वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, इन्हें डिवाइड कर लें, डिवाइड करके एम आर निकाल लें, इस एम आर को यहाँ पुट कर दें, एम आर को यहाँ पुट करके सॉल्व करके एफ की वैल्यू आएगी। तो एफ की वैल्यू क्या आएगी, जी एम एम आर बाई आर का क्यू। तो याद रखना फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर है जब वो पॉइंट मास कहाँ पर है, सॉलिड स्फीयर के इनसाइड है। शेल में तो खैर होता ही नहीं, फोर्स होती नहीं है, सॉलिड स्फीयर में होती है। तो क्लियर है यहाँ तक, तो ये शेल थ्योरम है जो आपको याद रखनी है। इसमें ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक, नेक्स्ट ग्राफ के क्वेश्चंस।
ग्राफ्स आते हैं पेपर में। अब ई की वैल्यू, सबसे पहले एक हॉलो स्फेयर है, खाली स्फेयर है, खाली स्फेयर के अंदर स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर में ई क्या रहेगा, जीरो, है ना, शेल में भी ऐसे, शेल थ्योरम है। और बाहर क्या होगा, बाहर नॉर्मल फॉर्मूला है जी एम बाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो ग्राफ क्या बनेगा, पहले बनेगा ही नहीं, इसके अंदर और फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रोस्टैट में बनता था ना सेम ग्राफ, ठीक है। तो ये पहली चीज है, इसमें E जीरो रहेगा शेल के अंदर और बाहर क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है सॉलिड स्फेयर की अगर बात करते हैं, सॉलिड स्फेयर की बात करते हैं तो सॉलिड स्फेयर में अंदर क्या होगा, अभी हमने किया इनसाइड E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर और बाहर नॉर्मल फॉर्मूला। तो ग्राफ क्या बनेगा, पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ग्राफ याद रखना है इसमें। नेक्स्ट है इसके अंदर अगर हॉलो स्फेयर है और पोटेंशियल की बात करें तो हॉलो स्फेयर का क्या रूल है, हॉलो स्फेयर के अंदर अगर हॉलो स्फेयर के सरफेस के ऊपर पोटेंशियल क्या होता है, V इज इक्वल टू माइनस जी एम बाई कैपिटल R, और अंदर शेल के अंदर V क्या होता है, कांस्टेंट इलेक्ट्रोस्टैट्स की तरह, और कितना होता है, जितना सरफेस पे है, तो जितना सरफेस पे V है उतना ही V शेल के क्या होता है, इनसाइड भी होता है, सेम होता है। क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक। और अगर बाहर की बात करते हैं तो V इज इक्वल टू माइनस जी एम बाई स्मॉल आर, तो क्योंकि V नेगेटिव में होता है तो कोऑर्डिनेट आपने नीचे का चूज करना है, तो शेल के अंदर अंदर V कांस्टेंट है और बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर है। ठीक है, यहाँ तक ग्राफ क्लियर है। और ऐसे ही सॉलिड स्फेयर के बाहर V का तो नॉर्मल फॉर्मूला है, पर इनसाइड ये बड़ा फॉर्मूला याद ही करना पड़ेगा और वेरिएशन भी याद करनी पड़ेगी। ये वेरिएशन है V की इनसाइड और आउटसाइड पोटेंशियल की सॉलिड स्फीयर को लेके, तो याद रखना है ये। ठीक है, यहां तक फॉर्मूला तो है ही, इसमें याद तो फॉर्मूला ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर ना एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रिंग का ही आता है। रिंग क्या फॉर्मूला है, अगर आपके पास एक रिंग है, रिंग का मास एम है, रिंग का रेडियस आर है और ये स्मॉल आर है, तो रिंग के यहां पे वी की वैल्यू क्या होगी, माइनस जी एम बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये वी का फॉर्मूला है। रहे यहां तक, तो ये फॉर्मूला आपने याद रखने हैं। शेल प्रॉब्लम याद है, इलेक्ट्रोस्टैट्स में शेल के अंदर, शेल के अंदर, शेल, तो वही देखते हैं। लेकिन उससे पहले जितने फॉर्मूला मैंने आपको भी रिवाइज करवाए उसको इस शीट में लिख दिया मैंने, फिर से देखते हैं एक बार कि अगर एक शेल है, शेल के सरफेस के बाहर ई का ये फॉर्मूला, वी का ये फॉर्मूला, नॉर्मल फॉर्मूला है। शेल के सरफेस के ऊपर स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर और वी में भी स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर। शेल के अंदर ई जीरो और वी कांस्टेंट जितना उसकी सरफेस पे, तो शेल के रिजल्ट्स क्लियर है। अब अगर सॉलिड स्फीयर की बात करते हैं तो सॉलिड स्फीयर के बाहर ई और वी का नॉर्मल फॉर्मूला स्मॉल आर में, सरफेस के ऊपर कैपिटल आर कैपिटल आर, और इसके इनसाइड क्या होगा, इनसाइड ये फॉर्मूला करवाया था ई का और वी का बड़ा सा फॉर्मूला करवाया। उस बड़े से फॉर्मूले में अगर ये पूछ ले सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे वी क्या होगा, तो सेंटर पे जाने के लिए स्मॉल आर को क्या पुट करना पड़ेगा, जीरो। तो जैसे ही जीरो पुट करोगे, ये फॉर्मूला नोट कर लें, अर्थ के सेंटर पे जो पोटेंशियल होता है वो 3/2 टाइम्स होता है जितना उसकी सरफेस पे है।
सरफेस पे कितना है माइनस जी एम बाई आर, तो सेंटर पे 3/2 टाइम्स है, याद रखना। ठीक है, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट शेल प्रॉब्लम्स। शेल प्रॉब्लम में याद है आपको, शेल के अंदर शेल के अंदर शेल, तीन शेल्स हैं, एक का रेडियस है r, एक का रेडियस है 2r, एक का रेडियस है 3r। पॉइंट नंबर वन है ये रहा, बिल्कुल अंदर है, यहां पे आपको e निकालना है, क्या होगा? शेल का रिजल्ट ये है कि अगर कोई पॉइंट शेल के इनसाइड है तो e जीरो होता है, तो इस शेल के अंदर है ये पॉइंट, तो फर्स्ट शेल का कॉन्ट्रीब्यूशन e का जीरो, सेकेंड शेल के भी अंदर है तो e का कॉन्ट्रीब्यूशन जीरो, और थर्ड शेल के लिए भी e का कॉन्ट्रीब्यूशन जीरो। डन हो गया। नेक्स्ट है, अगर मैं पॉइंट नंबर टू की बात करता हूं, तो पॉइंट नंबर टू के अंदर फर्स्ट शेल से ये दूरी कितनी है? स्मॉल r, तो e की वैल्यू क्या होगी? जी एम वन बाई आर स्क्वायर, और बाकी शेल के लिए पॉइंट अभी भी अंदर है तो क्या वैल्यू होगी? जीरो एंड जीरो। और पॉइंट नंबर अगर थ्री की बात करते हैं, पॉइंट नंबर थ्री में ये दोनों शेल से दूर है ये पॉइंट r डैश, तो ये भी r डैश के साथ आंसर देगा और ये भी, लेकिन पॉइंट जो शेल नंबर थ्री है वो कॉन्ट्रीब्यूशन क्या करेगा? जीरो। तो कर लेंगे सॉल्व। लेकिन अगर v की बात करते हैं, फर्स्ट पॉइंट पर v क्या होगा? देखो जो फर्स्ट पॉइंट है वो इस शेल के अंदर है, तो फर्स्ट शेल क्या कहेगा? जितना मेरी सरफेस पे v है उतना ही अंदर v है। सेकंड शेल भी क्या कहता है? क्योंकि पॉइंट नंबर वन सेकंड शेल के अंदर है, तो जितना सेकंड शेल के सरफेस के ऊपर v है वही अंदर v है, और थर्ड शेल का भी सेम रूल है। तो देखो फर्स्ट शेल का सरफेस का v, सेकंड शेल के सरफेस का v, मास m2 रेडियस r 2r m3 और 3, तो सेम रूल अप्लाई करेंगे जो इलेक्ट्रोस्टैट्स में अप्लाई करते थे, तो शेल थ्योरम बिल्कुल वैसे ही चलेंगी। ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं, देखो देखो क्वेश्चन है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस ऑफ प्लैनेट इज सेम एज एट डेप्थ ऑफ आर, तो डेंसिटी की रेशियो निकालनी है। तो इसके अंदर क्या करना है कि दो इसमें स्फेयर्स हैं, तो एक स्फेयर है रेडियस आर है, एक स्फेयर रेडियस टू आर है, डेंसिटी इसकी रो वन है, डेंसिटी इसकी रो टू है, तो आपको डेंसिटी की रेशियो निकालनी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द प्लैनेट। सरफेस पे जी क्या होगा? जी टोटल मास m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय 2r का स्क्वायर, तो सरफेस के ऊपर आ गई। और m1 m2 क्या होगा? देखो इसका मास अलग, इसका मास अलग है, तो इसका मास क्या होगा? इसका वॉल्यूम इनटू डेंसिटी रो 1, और इसका मास क्या होगा? इतने पोर्शन का वॉल्यूम क्या है? आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी रो 2। तो ये क्या आ गया? g एट द सरफेस, तो g सरफेस पे आ गया। अब g कहां पे निकालना है? डेप्थ पे निकालना है, और कितनी डेप्थ पे? r, तो r r डेप्थ पे आप यहां पे होंगे, और जब आप यहां पे होंगे तो g का फॉर्मूला क्या लगेगा? g कैपिटल g सिर्फ अंदर का मास m1 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, तो ये रहा g m1 बाय r स्क्वायर आएगा, g m1 बाय r स्क्वायर। तो m1 को वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, पर वो कह रहा है कि g की वैल्यू सरफेस पे और डेप्थ पे सेम है, इन दोनों को इक्वेट कर लेना, सॉल्व कर लेना, रो वन रो टू की वैल्यू आएगी। नॉन मेडिकल में तो ये आया हुआ है, मेडिकल में इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं आएंगी, पर कॉन्सेप्ट सिर्फ समझ लें। नॉन मेडिकल वाले समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैसे जी निकलेगा? जैसे ये क्वेश्चन देखें,
नॉन होमोजीनियस फेयर है तो इसके अंदर क्या गिवन है, दो डेंसिटीज फिर से गिवन है, डेंसिटी डी नॉट है जब आर लेस देन ए बाई थ्री है, तो ए बाई थ्री तक डेंसिटी डी नॉट है, अंदर डी नॉट है, और डेंसिटी डी नॉट बाई टू है जब डिस्टेंस ए बाई थ्री और ए के बीच में है, तो ये ए बाई थ्री है और ये ए, तो यहाँ डेंसिटी कितनी है डी नॉट बाई टू है, तो यहाँ डी नॉट है या डी नॉट बाई टू है, तो आपको क्या निकालना है, आपको ई निकालना है ए बाई टू पे। अब ए बाई टू कहाँ मिलेगा, ए बाई टू ए बाई थ्री से बड़ा होता है और ए से छोटा होता है, तो कहीं यहाँ कहीं मिलेगा ए बाई टू, तो आपको यहाँ पे कहीं ई निकालना है। अब यहाँ का ई क्या होगा, जी इनटू इसके नीचे का टोटल मास, अब नीचे का टोटल मास क्या होगा, ये वाला मास प्लस अंदर का मास, तो टोटल मास इसके नीचे नीचे आएगा सारा आएगा, डिवाइडेड बाई ए बाई टू का होल स्क्वायर, ये देखो ना जी इंटू मास बाई ए बाई टू का होल। अब मास क्या लेंगे, मास एक तो अंदर वाला लेंगे डी नॉट वाला, डी नॉट वाला मास क्या होगा, इसका वॉल्यूम इंटू डेंसिटी डी नॉट, ये रहा, और एक ये लेंगे ये वाला, तो यहाँ का डेंसिटी क्या है डी नॉट बाई टू, और यहाँ का वॉल्यूम क्या है आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, पुट कर देना मास आंसर। कॉमन नहीं निकला, ये अलग मास है वो अलग मास है, हाँ कॉमन कहाँ निकाला मैंने इसमें भी, मैं तो कह रहा हूँ ये मास निकाल लो, जो भी आएगा उसको यहाँ पुट कर लेना, आंसर तो निकाला ही नहीं मैंने आगे, मैं तो मेथड सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ कि ये ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सेटेलाइट एंड प्लैनेटरी मोशन। सेटेलाइट एंड प्लैनेटरी मोशन में एक सेटेलाइट है एच हाइट पर और आर रेडियस अर्थ का, मास ऑफ अर्थ एम, तो आपने इसको फेंक दिया विद द वेलोसिटी ऑफ वी, तो ये वी वेलोसिटी से एक ऑर्बिट में घूम रही है सेटेलाइट, तो सेटेलाइट घूम रही है तो इसके पास क्या होगी सेंट्रिपिटल, कितनी एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस एच, कौन प्रोवाइड करेगा सेंट्रिपिटल ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल पुल क्या है जी एम एम बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर, सॉल्व करेंगे जो वेलोसिटी आएगी उसका नाम क्या होगा ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो फॉर्मूला ऑर्बिटल का आ गया, और कैपिटल जी एम को स्मॉल जी आर स्क्वायर पुट कर सकते हैं, तो ये भी फॉर्मूला किसका आ गया ऑर्बिटल का, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी के दो फॉर्मूलाज आ गए, कोई भी यूज करेंगे ठीक है यहाँ तक, कोई भी यूज करेंगे। अब जो सेटेलाइट्स हैं वो कई बार बहुत दूर नहीं होती सरफेस ऑफ अर्थ से, पास होती हैं, तो ऐसे केस में एच आर के मुकाबले काफ़ी छोटा होता है, कैन बी निगलेक्टेड, तो इसमें निगलेक्ट करेंगे तो ऑर्बिटल का ये फॉर्मूला काफ़ी यूज होता है न्यूमेरिकल्स में, अंडर रूट ऑफ जी एम बाई कैपिटल आर, पर ये फॉर्मूला है अप्रोक्सीमेट जब एच बहुत छोटा है, क्लियर है यहाँ तक, और या फिर इसमें जी एम की जगह स्मॉल जी आर स्क्वायर, एच जीरो तो अंडर रूट ऑफ जी आर, एक ही बात है ठीक है यहाँ तक, तो ये दो फॉर्मूला नोट करेंगे ऑर्बिटल के। नेक्स्ट है टाइम पीरियड ऑफ अ सेटेलाइट, टाइम पीरियड क्या होगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल वेलोसिटी, वेलोसिटी सेटेलाइट की ऑर्बिटल है, डिस्टेंस सर्कमफ्रेंस है 2 पाई आर प्लस एच और वेलोसिटी इसके इक्वल है अंडर रूट ऑफ जी एम बाई आर प्लस एच, सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला किसका आ जाएगा टाइम पीरियड ऑफ अ सेटेलाइट का, तो टाइम पीरियड ऑफ अ सेटेलाइट आ गया। टाइम पीरियड ऑफ अ सेटेलाइट के अंदर भी अगर सेटेलाइट काफी क्लोज है सर्फेस ऑफ अर्थ के तो एच को निगलेक्ट करेंगे, सॉल्व करके ये आंसर आएगा दिस इज टाइम पीरियड ऑफ अ सेटेलाइट, सॉल्व करके अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर बाई जी आ जाएगा। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट है हाइट ऑफ सेटेलाइट, ये नहीं आता, टाइम पीरियड लिख लें, टाइम पीरियड को स्क्वेयरिंग करें और हाइट को एक तरफ बाकी टर्म्स एक तरफ, इसको जरूरत नहीं है करने की। टोटल एनर्जी ऑफ अ सेटेलाइट, सेटेलाइट के पास कौन सी एनर्जी होंगी पोटेंशियल एंड काइनेटिक, तो अगर सेटेलाइट एच हाइट पर है तो पोटेंशियल क्या होगी माइनस जी एम एम बाई आर प्लस एच और काइनेटिक में हाफ एम वी स्क्वायर में वी फॉर ऑर्बिटल, तो आप सिर्फ ये नोट करें पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला आर प्लस एच हाइट पर, ये रहा पोटेंशियल एनर्जी और ये रही काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या है टोटल एनर्जी। अगर आपको मॉडर्न फिजिक्स अभी याद हो तो आप ध्यान से देखें काइनेटिक का और टोटल का मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला सेम है और पोटेंशियल एनर्जी टोटल से डबल है,
ऐसा ही उसमें यूज करते थे। ठीक है, देखो तो ये हो गया एस्केप वेलोसिटी, अर्थ की सरफेस से उठा के किसी बॉडी को फेंक रहे हैं ताकि वो एस्केप हो जाए ग्रेविटेशनल पुल से, उसको एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ 2gm/r, और इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, और ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर डिपेंड नहीं करती, किसी भी एंगल पर फेंक लोगे एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला विल रिमेन सेम। ठीक है यहाँ तक, केपलर लॉ तुमने कर ही लिया, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब किया हुआ है, कुछ नहीं करना बस। करो देखो जरा, क्या करेंगे इसमें, चार पार्टिकल्स हैं, ये चार पार्टिकल्स हैं और वो कह रहा है कि चारों घूम रहे हैं वेलोसिटी वी के साथ, और घूम रहे हैं तो सेंट्रीपिटल होगी हर पार्टिकल के पास, तो कौन प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल, वो कह रहा है म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो वी निकाल दो। कोई भी एक पार्टिकल ले लो, जैसे ये ले लो, तो मान लो ये वी वेलोसिटी के साथ जा रहा है तो इसके पास कौन सी फोर्स होगी सेंट्रीपिटल, कौन प्रोवाइड करेगी इस पे सेंट्रीपिटल ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगी, ये एम को ये एम क्या करेगा अट्रैक्ट, तो फोर्स एफ वन निकाल लोगे ये रही, फिर उसके बाद इस एम को ये एम भी क्या करेगा अट्रैक्ट, एफ टू निकाल लोगे, एफ टू निकालने के लिए आर ये आर ये 90 ये रूट टू आर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तो फोर्स सेकेंड भी आ जाएगी, ऐसे ही ये थर्ड फोर्स भी आ जाएगी एफ थ्री, फिर इन तीनों का क्या निकालना पड़ेगा वेक्टर सम, जो कि यहाँ कहीं आएगा टुवर्ड सेंटर, वो यहां पुट करके इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, वी कैन बी कैलकुलेटेड आंसर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे करना है, नेट फोर्स निकालनी है तीनों पार्टिकल्स की चौथे के ऊपर, वेक्टर सम लेना है और फिर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, तो यही किया हुआ है इसने, ये एम वी स्क्वायर बाय आर ये नेट फोर्स निकाल ली उसने, इक्वेट करके आंसर आएगा, कैलकुलेशन खुद करना है एक बार। इस क्वेश्चन में देखें प्लीज,
तो इस क्वेश्चन को पढ़ते ही वो कह रहे दो स्टार्स हैं ए एंड बी, बाइनरी का मतलब दो स्टार्स हैं ए एंड बी, मासेस एम ए एंड एम बी आर रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियाई आर ए एंड आर बी, अलग अलग रेडियस में घूम रहे हैं। तो टी ए टी बी टाइम पीरियड है, तो आपको बताना है कि इस केस में क्या ऑप्शन करेक्ट है। देखने में पहले इंस्टेंट पे 100% लगता है केपलर लॉ लगेगा, सेंटर के आसपास एक आर ए में घूम रहा है, एक आर बी में घूम रहा है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो टी प्रोपोर्शनल टू आर इज टू पावर 3/2, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है, नहीं लगेगा। आपको क्या ऐसा क्यों क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इसके अंदर ऐसा नहीं हो रहा कि आप एक सन के आसपास एक प्लैनेट को घुमाए जा रहे हैं, ऐसा कहां हो रहा है? वो आपसी अपनी म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से दोनों घूम रहे हैं। उसमें क्या होता है, केपलर लॉ में सन खड़ा हुआ है, अर्थ घूम रही है, जुपिटर घूम रहा है, तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब खत्म। इसमें ये दोनों मासेस घूम रहे हैं। अब कैसे घूम रहे हैं? दोनों के दोनों मासेस कुछ ऐसे घूम रहे हैं, देखो ये देखो, दोनों मासेस ऐसे घूम रहे हैं कि जैसे सपोज करो पहला पार्टिकल एम ए, ये रहा सी, एम ए घूम रहा है इन रेडियस ऑफ कितना आर ए, तो ये कितना है आर ए, और दूसरा पार्टिकल घूम रहा है इन अ रेडियस ऑफ आर बी, ये रहा मास कितना है एम बी, तो एक घूम रहा है आर ए, एक घूम रहा है आर बी। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, अलग अलग रेडियस में घूम रहे हैं। अब रूल नंबर वन, अलग अलग रेडियस में घूम रहे हैं, अगर मैं सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट लूं कि अगर मान लो इनका कोई सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मैं ये ले सकता हूं एम ए आर ए इज इक्वल टू एम बी आर बी, फर्स्ट इक्वेशन एम ए इंटू आर ए इज इक्वल टू एम बी इंटू आर बी, एम वन आर वन एम टू आर टू, ठीक पहला रिजल्ट। दूसरा, अब एक चीज देखो, इन दोनों की जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कितनी है, जी एम ए इंटू एम बी डिवाइडेड बाई आर ए प्लस आर बी का होल स्क्वायर, तो ये पॉइंट मतलब आर की जगह लिख सकते हैं आर ए प्लस आर बी का होल स्क्वायर, एक ही बात है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर एम ए को किस में घुमा रही है, इन सर्कल, ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एम ए को सर्कल में घुमा रही है, सर्कल में जो घूम रहा है एम ए, तो सेंट्रीपिटल क्या होगा एम ए वी ए स्क्वायर बाय आर ए, और यही ग्रेविटेशनल फोर्स किसको मिल रही है, बी को भी मिल रही है, और वो भी सर्कल में घूम रहा है, अब वो सर्कल में घूम रहा है, सेंट्रीपिटल कितनी है एम वी स्क्वायर बाय आर फॉर बी, तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन वही ए को मिल रही है, वही को बी को मिल रही है, दोनों की सेंट्रीपिटल की फोर्स की वैल्यू सेम है, तो ये वैल्यू इसके इक्वल है, तो ये वैल्यू इसके इक्वल है, तो ये टर्म आ गई, क्लियर है यहां तक? तो यहां से ये टर्म आ गई। अब ए की जो वेलोसिटी है वो है क्या, डिस्टेंस बाय टाइम पीरियड, बी की वेलोसिटी डिस्टेंस बाय टाइम पीरियड, आप इस वी ए वी बी को यहां और यहां पुट कर दें तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी, और आपको पता है अबाउट सेंटर ऑफ मास एम ए आर इज इक्वल टू एम बी आर बी कट गया, टी इज इक्वल टू टी बी आंसर आ जाएगा, तो टाइम पीरियड दोनों का बराबर है। आप ऐसा भी कर सकते हैं इसमें कि अगर सपोज करो आपको ऐसा करना है, सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों में बराबर है क्योंकि एक दूसरे को खींच रहे हैं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर कर लें, तो एम इंटू आर का प्रोडक्ट दोनों का सेम है अबाउट इट सेंटर ऑफ मास, एम ए आर इज इक्वल टू एम बी आर बी, तो बचा क्या ओमेगा, तो ओमेगा भी सेम है, ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाय टी, टाइम पीरियड सेम है, डन। अब ये रूल कब लगता है, याद रखना सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट कब लगता है, जब दो मासेस एक दूसरे की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से गोल घूम रहे हैं, तो वहां पर वो देखना पड़ता है कि अबाउट, क्योंकि वो घूमेंगे कैसे, अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, तो कोई भी मून अर्थ सिस्टम है या कोई भी चीज जब घूमती है अबाउट सेंटर ऑफ मास घूमती है, तो इसमें केपलर लॉ लगाना नहीं है, ठीक। तो आगे और क्वेश्चन आएंगे इस पर भी, देखते हैं कैसे, जैसे ये करके देख लो,
टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स मास 1 kg ईच गो अराउंड द सर्कल ऑफ रेडियस आर. तो 1 kg 1 kg सर्कल ऑफ रेडियस आर में घूम रहे हैं अंडर एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन. एंगुलर स्पीड क्या होगी एक पार्टिकल की, देखो सिंपल है, एम और एम घूम रहे हैं आर रेडियस में, तो टोटल डिस्टेंस दोनों पार्टिकल में कितना है 2r. तो इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, जी एम स्क्वायर एम एम बाई 2r का स्क्वायर. और यही फोर्स दोनों को क्या प्रोवाइड कर रही है, सेंट्रीपिटल. तो सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला एम आर ओमेगा का स्क्वायर, ताकि ओमेगा को क्या लिखें 2π/T. टाइम पीरियड कैन बी कैलकुलेट, ओमेगा निकालना, ओमेगा आ गया डायरेक्टली, टाइम पीरियड निकालना तो टाइम पीरियड भी आ जाता. ठीक है यहाँ तक? तो इंपॉर्टेंट ये है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन में 2r आएगा, सेंट्रीपिटल में सिर्फ r आएगा, सर्कल का रेडियस आता है. फोर आइडेंटिकल पार्टिकल, सेम वही सेम क्वेश्चन है, चार पार्टिकल आज पहला क्वेश्चन जो था सेम रिपीट है. Two stars of masses m and 2m at a distance of d rotate about their common center of mass in free space. Period of revolution क्या होगा? Same ही तो है. m और m अब d distance में घूम रहे हैं. अब देखो ना, इसमें वही center of mass का concept है. एक m है, एक 2m है. ये अपने center of mass के about घूम रहे हैं. अब center of mass है कहाँ? वो तो बताया ही नहीं. तो पहले ढूंढो where is center of mass. इनके बीच में distance जरूर given है. कितना? d. तो अगर सेंटर ऑफ मास मान लो x डिस्टेंस पे है, तो ये क्या हो जाएगा? d माइनस x. तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी? m इंटू एक्स इज इक्वल टू 2m इंटू d माइनस x. तो यहां से क्या जाएगा? x. तो पहले क्या ढूंढा आपने? सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास हो गया. अब ये बताओ कि ये 2m सर्कल में घूम रहा है, अबाउट इट सेंटर ऑफ मास कितने रेडियस में घूम रहा है? d माइनस x. तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? जी एम इंटू 2m डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m इंटू डी माइनस एक्स इंटू ओमेगा का स्क्वायर. तो ये क्वेश्चन भी आ गई यहां पे, देखो ये थी. तो क्या निकालना है आपको? t निकालना है. तो एक काम करना, ओमेगा को रिप्लेस कर देना 2π/T से, और x आप निकाल चुके ऑलरेडी, कितना? 2d/3 निकाल लेना, यहां से टाइम पीरियड आ जाएगा. पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? वही रूल बार बार लगा रहा है. कभी सेंटर, देखो दो मासेस डिफरेंट हैं, सेंटर और दोनों के बीच में डी डिस्टेंस है. तो अगर डिफरेंट मासेस हैं तो सेंटर, सेंटर ऑफ मास पे तो हो, सेंटर ऑफ मास सेंटर में तो होगा ही नहीं, ढूंढना ही पड़ना है आपको, फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व होना है. ऐसा क्वेश्चन तो आना ही आना है. क्या बढ़िया क्वेश्चन आया. क्या आंसर है? बी. इसमें तो पेन भी हाथ नहीं लगाना. पोल्स के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी होती है, मैक्सिमम है. पोल्स के ऊपर वेट 49 है, इक्वेटर पे जी कम हो जाता है, तो इक्वेटर पे 49 तो कम ही आंसर आएगा. हो नहीं सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता आंसर. क्वेश्चन हो तो ऐसे हो फिर, है ना? नेक्स्ट किया हुआ है, स्फेयर में से स्फेयर काट दो, बचे हुए स्फेयर ने कितनी फोर्स लगाई? शीट की प्रॉब्लम है डायरेक्ट, बिल्कुल. अरे चिंता, मेंस का पेपर मैं देखा नहीं ना, तू भी देखे आएगा ना, तू पीडीएफ निकाल लाइयो, तेरे को दिखा दूंगा कि कैसे कैसे कॉन्सेप्ट मैच करते हैं.
देखो इसका रूल क्या है, एक रिंग है और एक स्फेयर है, दोनों में डिस्टेंस आर, दोनों का रेडियस आर और आर है, दोनों में आपने फोर्स निकालनी है। अब देखो न्यूटन का लॉ तो इसमें चलता नहीं, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, आप इसको एक ट्रिक लगाएं, आप एक रिंग, एक काम करें एक रिंग लें, इस रिंग के एक्स डिस्टेंस पे, इस रिंग के एक्स डिस्टेंस पे यहां पर ई निकाल दें। तो ई का फॉर्मूला क्या था, जी मास ऑफ रिंग छोटा एम इंटू डिस्टेंस एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर कितना 3/2। ई निकाल दिया आपने, तो एक्स की जगह पुट कर लेना √8r, जो भी है ई आ जाएगा। आप एक काम करें, जो ई होता है वो क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय मास। अब इस स्फेयर का मास कहां पर है, सेंटर पे इमेजिन करें, तो फोर्स क्या होगी स्फेयर के ऊपर, मास इनटू रिंग का ई। तो इस रिंग के ई को यहां पुट कर दें, स्फेयर के मास से मल्टीप्लाई कर दें, फोर्स आ जाएगी आंसर। रिंग और स्फेयर का तो ऐसे ट्रिक से करना पड़ेगा, ई ही हेल्प करेगा आपको इसमें, सीधा फोर्स नहीं आएगा ना, इंटीग्रेशन कर पाओगे इसमें। ठीक है यहां तक, नेक्स्ट। देखो मास डेंसिटी ऑफ अ स्फेरिकल गैलेक्सी, एक स्फेरिकल गैलेक्सी है, तो ये एक स्फेरिकल गैलेक्सी है, इसकी जो डेंसिटी है वो के बाय आर है, डेंसिटी चेंज हो रही है, अंदर मास ही मास है। इन दैट रीजन अ स्मॉल स्टार इज इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस कैपिटल आर। कह रहा है कि ठीक है एक स्फेयर ले लो इसका, फिर से बनाता हूं, एक गैलेक्सी है, इस गैलेक्सी का स्मॉलर डिस्टेंस लो और यहां पर एक स्फेयर ले लो गैलेक्सी का, गैलेक्सी इज अ स्फेयर। तो यहां पर कह रहा है कि स्मॉल स्टार यहां पर पड़ा हुआ है, ये स्टार है स्मॉल, जो कि गोल गोल घूम रहा है, क्यों घूम रहा है, सेंट्रिपिटल है, कौन देगा, पूरी गैलेक्सी से क्या कर रही है अट्रैक्ट, तो ग्रेविटेशनल फोर्स है गैलेक्सी और स्टार के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स प्रोवाइड कर रही है। आपको टी निकालना है क्या होगा, तो इस क्वेश्चन के अंदर देखो, तो इसके अंदर एक काम करेंगे, जो स्टार है उसका मास छोटा एम है, स्टार के पास क्या है सेंट्रिपिटल एम वी स्क्वायर बाय आर, और ग्रेविटेशन क्या है जी, गैलेक्सी का मास स्मॉल आर रेडियस का वो भी इंटू स्टार का मास बाय आर स्क्वायर। अब गैलेक्सी का मास क्या है, गैलेक्सी की डेंसिटी इंटू गैलेक्सी का वॉल्यूम, बस यहां से सॉल्व करके क्या आएगा v। वैसे बेटर तो ये है आप एम वी स्क्वायर बाई आर की जगह एम आर ओमेगा स्क्वायर लगा लो, एम आर ओमेगा स्क्वायर में ओमेगा को पुट कर लो 2π/T, एक ही बारी में टाइम पीरियड का रिलेशन आ जाएगा, ज्यादा बेटर नहीं। तो इसने क्या किया, पहले v निकाला फिर टाइम पीरियड 2π r/v से रिलेशन निकाला।
कॉन्सेप्ट वही है, घूम घूम के वही चीज पूछी जा रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड सेंट्रिपिटल। तो ये क्वेश्चन है, मास डेंसिटी ऑफ प्लैनेट वेरीज फ्रॉम, वेरीज डेंसिटी चेंज हो रही है प्लैनेट की ऐसे, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इज मैक्सिमम एट, ये तो बिल्कुल नहीं आएगा मेडिकल में, तो ग्रेविटेशनल फील्ड मैक्सिमम कब होगा? पहले फील्ड तो निकालो तब आंसर आएगा। अरे फील्ड तो बाद में निकल रहा, पहले प्लैनेट का मास तो निकालो, डेंसिटी तो चेंज हो रही है प्लैनेट की, जब डेंसिटी चेंज हो रही है, स्फेरिकल प्लैनेट है और डेंसिटी चेंज हो रही है तो मास भी चेंज हो रहा है, तो इंटीग्रेशन से पहले क्या निकलेगा? ये इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी करते थे, कैसे? एक सॉलिड स्फीयर के अंदर हम क्या लेते थे? एक शेल, एक शेल का वॉल्यूम क्या होता था? एरिया इंटू थिकनेस, तो ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया, स्मॉल मास आ गया, शेल का मास आ गया। टोटल स्फीयर का मास निकालने के लिए क्या करनी पड़ेगी? इसकी इंटीग्रेशन, तो टोटल मास आएगा, मास आएगा तो ई आएगा, जो ई आएगा उसको मैक्सिमम मिनिमा करके, मैक्सिमम वैल्यू करके आर आएगा। लंबा है यार थोड़ा, बट चलो पहला स्टेप तो क्लियर है, इलेक्ट्रोस्टैट्स वाला ही है। हम ऐसे हम टोटल चार्ज निकालना करते थे, याद करो स्मॉल चार्ज से चार्ज, ठीक सेम कॉन्सेप्ट है। देखो ये आपको पसंद आएगा, वो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ऑल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, मेडिकल में नहीं आएगा ये वाला भी, दो नहीं आएंगे बाकी आएगा। ये देखना जरा यार, टॉपिक तो आसान था ऑल्टीट्यूड लैटीट्यूड का, उसने खाम खाई थोड़ा मुश्किल कर दिया। ऑप्शन तो देखो, कह रहा है रेशियो बिटवीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ डेप्थ आर और हाइट आर इज क्या? ये रेशियो है, कहां से रेशियो लग रही है? तो देखो ये क्या है, डेप्थ आर पे वैल्यू, ये क्या है हाइट पे वैल्यू, शॉर्टकट नहीं लगाना हाइट में, क्यों नहीं लगाना बताऊंगा, नॉन मेडिकल में को दिखेगा अभी। ये फॉर्मूला रेशियो निकाल लो, रेशियो निकाल ली, डिवाइड कर लिया, रेशियो निकाल के सिंप्लीफाई करो और ये बाइनोमियल लगाओ, नॉन मेडिकल के लोग तीन तक बाइनोमियल मल्टीप्लाई करो, ऑप्शन मैच करो, तो अगर आप यहाँ शॉर्टकट लगा देते फिर बाइनोमियल कहाँ लगाते, इसलिए ये शॉर्टकट नहीं लगाना, मैथ्स के लोग समझ पाएंगे, नॉन मेडिकल में, मेडिकल में नहीं, ठीक है यहां तक? ये तो कर लोगे, ये आसान है। वो कह रहा है एक प्लैनेट है जिसमें मास डबल है अर्थ से और डेंसिटी इक्वल टू द एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ है, तो मास डबल कर दिया, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट अर्थ पे W है, तो प्लैनेट पे क्या होगा? तो ये तो ऐसे क्वेश्चन हमने किए हुए हैं, डेंसिटी की फॉर्म में हमने क्या, अर्थ के ऊपर क्या होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, gm/r², और मास को लिखे वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, क्योंकि वो डेंसिटी की बात कर रहे हैं, तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ पे, प्लैनेट पे यही चीज पी पे आ जाएगी, डेंसिटी वो कह रहा है बराबर गिवन है, फिर इन्हें डिवाइड कर लें, और जो मास है वो डबल गिवन है सबको पता है, तो यहाँ से सॉल्व करके रेडियस में रेशियो निकाल के जी का फॉर्मूला लगा के वेट निकालेंगे mg/mg, तो स्मॉल जी क्या होता है कैपिटल gm/r², तो रेडियस की रेशियो आ चुकी है, वहां से वेट की रेशियो आई, ये खुद ही करके आएगा समझ, चल इसने लंबा किया हुआ है अपना खुद करना है इसमें। ये देखो ये बड़ी सही प्रॉब्लम आई हुई है, ये आसान है किसी के सेट में आ जाए तो। मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट x1 x2 है, अगर मिनिमम स्पीड वी नॉट है तो मैक्सिमम स्पीड क्या होगी? जब एक प्लैनेट घूमता है तो mvr इज कांस्टेंट, तो मास तो कांस्टेंट है तो mvr इज कांस्टेंट, तो जब डिस्टेंस x1 है तो वेलोसिटी v है, जब x2 है तो वेलोसिटी v नॉट है, निकाल लेना v आ जाएगा, m से m कैंसिल, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। प्लैनेट हैज टू मून्स इफ वन ऑफ देम हैज अ पीरियड ऑफ 7 आवर 30 मिनट, इसको मिनट्स में कर लेना, ऑर्बिटल रेडियस गिवन है, मास निकालो मार्स का क्या है, इस प्लैनेट का क्या है, तो मार्स के दो मून, दो मून की तो बात ही नहीं कर रहा, एक ही मून के डायमेंशन दे रहा है, उसी का टाइम पीरियड दे रहा है और उसी का क्या दे रहा है, रेडियस दे रहा है और मास पूछ रहा है, तो ये एक आसान क्वेश्चन है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद होना चाहिए ये वाला, वैसे ये फॉर्मूला मेरे को भी याद नहीं। आप ऐसा कर सकते हैं, gmm/r² फोर्स है इज ऑलवेज इक्वल टू m(r)(ω) का स्क्वायर, ओमेगा को 2π/T पुट कर देना, सॉल्व करना, टी चेक करो यही आएगा, अगर फॉर्मूला याद नहीं करना तो ये ज्यादा बेटर है। ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड सेंट्रिपिटल, सेंट्रिपिटल से ही ओमेगा को 2π/T से आंसर निकाल लेंगे, बस अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया, स्क्वेयरिंग करके यहां से क्या निकालना है, मास निकालना है, बाकी सब कुछ तो गिवन ही है, तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही तो हुआ सिर्फ, ठीक है ना? फिर
फिर वही आ गया इसमें, सॉरी, मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द सन आर गिवन, x1 x2, स्पीड ऑफ द कॉमेट एट द नियरेस्ट पॉइंट इज गिवन, स्पीड फार्देस्ट पॉइंट क्या होगा, तो क्या लगाएंगे, mvr इज कांस्टेंट, तो v into r इज अ कांस्टेंट, आसान है ये भी, सेम ये देखो इसका आंसर, एंगुलर मोमेंटम प्लैनेट का l है, क्या निकालना है, एयर फॉर्मूला आ गया एरियल वेलोसिटी का, l by 2m, सिंपल। नेक्स्ट थ्योरी भी आ गई भाई, थ्योरी भी आती है मेंस में, प्लैनेट रिवॉल्विंग इन एलिप्टिकल ऑर्बिट हैज, बोलो एलिप्स में क्या होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ रेवोल्यूशन होगा, नहीं होगा, वेलोसिटी चेंज होगी, ई में टू फॉलो ट्रेजेक्ट्री सच दैट एरियल वेलोसिटी इज, आसान आ गया है तो फिर सही है, सी है हाँ, सी मतलब ओनली, राइट, सही है। ये लो, ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है, इसमें वो कह रहा है इलिप्टिकल पाथ में घूम रहा है प्लैनेट और एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन 1/4 एरिया ऑफ एलिप्स, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है, ये 1/4 एरिया ऑफ एलिप्स है, एलिप्स का एरिया ए है तो 1/4 है, आपको निकालना है कि अगर मान लो ए बी सी जाने में टाइम पीरियड t1 है और सी डी ए में टाइम पीरियड t2 है, t1 t2 का रिलेशन निकालना है, एक काम करते हैं, ए बी सी जाने में टाइम पीरियड t1 है, ये सन है s, सन है तो एरिया स्वेप्ट कितना है, ये एरिया स्वेप्ट ये पूरे का पूरा है, दोनों का सम। अब एरियल वेलोसिटी dA by dt हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट, तो dA प्रोपोर्शनल टू क्या है, टाइम, तो ऐसा करें पहले केस में टाइम t1 है, t1 टाइम क्या होगा, ये एरिया कितना है बोलो, a by 4, और ये एरिया कितना है, आधा, a by 2, और t2 क्या होगा, t2 में सिर्फ ये वाला एरिया होगा, बस ये वाला, यानी कि a by 2 माइनस a by 4, a by 2 माइनस, डिवाइड करके आंसर निकाल लेना, तो टाइम जो है वो एरियल लॉस, जो एरिया है उसके प्रोपोर्शनल है, तो यहां से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इनसाइड अ यूनिफॉर्म, थ्योरी भी आ रही है, यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल थ्योरम है ना, शेल थ्योरम है, तो इनसाइड अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल ग्रेविटेशनल फील्ड इज जीरो, यस, ए ऑप्शन लग रहा है आपको, सी ऑप्शन क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड इज सेम एवरीवेयर, हाँ तो ई जीरो है, सेम एवरीवेयर, और डी क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर, ए लग रहा है आपको, ए ही है, सही है, ए सही है। कह रहे मासेस एंड रेडियाई ऑफ अर्थ एंड मून आर गिवन, m1 r1 m2 r2, सेंटर्स आर आर डिस्टेंस अपार्ट, फाइंड द मिनिमम एस्केप वेलोसिटी ताकि मिड पॉइंट से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जा सके। तो क्वेश्चन ये है कि एक मून है और एक अर्थ है, इसके आर डिस्टेंस अपार्ट है, इसका मिड पॉइंट यानी कि r/2, एक किसी भी चीज को फेंकना है, एस्केप करवाना है, तो यहां पर एनर्जी है कितनी, जी पोटेंशियल कितनी है, पहले m1 और m की निकाल लें, फिर m2 और m की निकाल लें, तो ये पोटेंशियल की एनर्जीज है यहां पर, और ये पोटेंशियल की एनर्जीज को ओवरकम करना है तो क्या देनी पड़ेगी, काइनेटिक, हाफ एम वी स्क्वायर, तो वी निकाल लेना आंसर, ठीक है यहां तक। वैसे इसको करने का एक और भी तरीका है, आप एक काम करें, इस m1 की वजह से यहां पर v1 निकाल लें, पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैट्स लगाएं, इस m2 की वजह से v2 निकाल लें, तो टोटल पोटेंशियल क्या है, ठीक, चार्ज इंटू पोटेंशियल एनर्जी, ओ यहां पर मास इंटू पोटेंशियल एनर्जी, तो इतनी एनर्जी दे दें, और ये एनर्जी किस फॉर्म में दें, हाफ, कर लेना सॉल्व, आंसर आ जाएगा अभी, किया भैया अल्टीमेटली, ठीक। सैटेलाइट इज लॉन्च इंटू अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r, वाइल अ सेकेंड सैटेलाइट इज लॉन्च इंटू सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 1.02 r, परसेंटेज डिफरेंस इन टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट क्या है, क्या लगेगा, कैपलर्स लॉ, तो टी प्रोपोर्शनल टू क्या है, r इज़ टू पावर 3/2 t1 रदर, t2 क्या है, 1.02 r रेज टू पावर 3/2। अब आपको तो ये निकालना है डेल्टा t/t, आप ऐसा करें टी इज प्रोपोर्शनल टू r रेज टू पावर 3/2 सम कांस्टेंट r रेज टू पावर 3/2, एरर का रूल लगा लें, डेल्टा t/t इज 3/2 डेल्टा आर बाय, ये ज्यादा बेटर नहीं है, डेल्टा आर तो आपको पता ही है,
आर भी आपको पता है ये ज्यादा बेटर है, एरर का रूल लगा के आंसर आ जाएगा। कैसे खत्म करें, लास्ट ही था मेरे ख्याल से, ये खत्म ही है। ठीक है, तो यहां से ये एरर का रूल लगाना, इसने भी ये लगाया है सेम, ये ज्यादा बेटर है। यहां से 3% आ गया। ठीक है, डेल्टा आर ये ना अपॉन आर 3/2 भी आएगा। ये क्वेश्चन में देख लेते हैं, इसे खत्म करते हैं बस अभी। बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ विद अ वेलोसिटी सफिशिएंट टू कैरी टू इनफिनिटी, तो किस वेलोसिटी से फेंका, एस्केप वेलोसिटी। लेकिन वो कह रहा है कि मुझे टाइम बताओ कि उसने एच हाइट कितनी देर में कवर किया, ओनली फॉर नॉन मेडिकल। तो रूल नंबर वन, एक काम करते हैं, आपने सरफेस से इसको फेंका, सरफेस के पास इस सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, माइनस जी एम एम बाय आर। काइनेटिक क्या होगी, हाफ इंटू एम इंटू एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर, वेयर एस्केप वेलोसिटी होती क्या है, अंडर रूट ऑफ 2gm बाय आर का होल। टोटल एनर्जी आ गई। मान लो कि स्मॉलर डिस्टेंस पे पार्टिकल गया और स्मॉलर डिस्टेंस पे वेलोसिटी उसकी v2 हो जाती है, तो यहां पर पोटेंशियल क्या है, माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाई कितना, आर प्लस आर, आर प्लस आर, और काइनेटिक कितनी है, हाफ एम वी टू का स्क्वायर। आप पहले ने इक्वेट करें, इक्वेट करके वी टू निकाल लें, इक्वेट करके वी टू निकाल लें। अब वी टू करेंगे क्या, वी टू किसी भी पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है जब अर्थ से उसकी दूरी कितनी है, स्मॉल आर। तो वेलोसिटी आ गई, पर हमें वेलोसिटी तो निकालनी नहीं, हमें तो टाइम निकालना है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती क्या है, dr बाय dt। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर हमने रेडियस से लेके r प्लस h तक एक ऑब्जेक्ट को भेजा है, h हाइट ऊपर जाने का मतलब सेंटर से दूरी r प्लस h है, तो टाइम 0 से t। तो v आपको पता है, सॉल्व इंटीग्रेट करके आंसर आएगा। लंबा क्वेश्चन आया हुआ है, काफी लंबा है पेपर के हिसाब से, लास्ट में भी नहीं होना, लास्ट में तो पहुंचता ही नहीं बंदा। लंबा है। रेडियस इन किलोमीटर टू विच प्रेजेंट रेडियस ऑफ अर्थ बी कंप्रेस्ड सो दैट एस्केप वेलोसिटी इंक्रीज 10 times, 10 गुना ज्यादा हो जाए, तो क्या होगा रेडियस का, एस्केप वेलोसिटी ये रही 2gm कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी इनटू अंडर रूट ऑफ r इज अ कांस्टेंट। तो दो केस बनेंगे, पहले एस्केप v है, रेडियस r है, फिर रेडियस बताओ क्या होगा जब एस्केप कितनी है, 10 into v escape। सॉल्व करके आंसर, ठीक है यहां तक। और लास्ट क्वेश्चन, इनिशियल वेलोसिटी vi रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट अ बॉडी वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ टू रीच अ हाइट ऑफ 10r। तो वो कह रहा है वी आई वेलोसिटी हमने दी और हाइट कितनी अचीव कर गया ऑब्जेक्ट, 10r। तो क्या निकालना है, कह रहा है इस केस में जो वेलोसिटी वी आई आएगी वो उसको इसके साथ कंपेयर करो और एक्स बताओ क्या होगा। पहले वी आई निकाल लें, वी आई निकालने के लिए क्या लगेगी, एनर्जी कंजर्वेशन। तो एनर्जी कंजर्वेशन में सरफेस ऑफ अर्थ पे ये पोटेंशियल और काइनेटिक हाफ एम वी आई स्क्वायर, 10r हाइट पे पोटेंशियल कितनी, माइनस जी एम एम बाई 10r प्लस r, और काइनेटिक टॉप मोस्ट पॉइंट पर 0। सॉल्व करके ये vi आएगा, vi ऐसा आएगा, पर आपको इसको ब्रेक करके लिखना है 2 into 10, ताकि आप कंपेयर कर सकें, क्योंकि आपको आपका ऑप्शन एस्केप की फॉर्म में गिवन है। 2 into 10 में करना मतलब x इस फॉर्म में लिखना, ताकि वो एस्केप बन जाइए, 2gm बाई r एस्केप हो जाएगा, तो 10 into 2 करेंगे तो एस्केप में चला गया, तो x क्या आएगा, 10। ऐसा कुछ करना पड़ेगा।